What's up everyone? This is Heather Kazmi. And this is Dania Kazmi. Welcome to an amazing video of this year's Trendy React. Well, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म. आ गया है वलीमाई ट्रेलर. हमने वलीमाई मेकिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था. काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था और कॉमेंट्स में हमें बताया था कि यार ये जो राइडर है ना, ये एक्चुअल हीरो है, कोई स्टंटमैन हायर नहीं किया गया. फिर मैंने फिर सर्च किया कि वलीमाई में कास्ट कौन कौन सी है, तो अजीत कुमार जो कि एक तमिल सिनेमा के बादशाह हैं, जिन्होंने इंटरनेशनली नाम अपना कमाया है, जो कि ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि एक्टर के साथ साथ राइडर रेसिंग में भी इनका बहुत बड़ा नाम है. वलीमाई में जो दूसरी कास्ट है वो है जानवी कपूर, कार्तिकिया, उसके अलावा हुमा कुरैशी, यमी गौतम और इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं इस मूवी के अंदर. तो उसका ट्रेलर आ जाया है काफी टाइम के बाद. हमने काफी इंतजार भी किया और ऑडियंस भी काफी कमेंट्स में कहते हैं टीजर्स हो गए, प्रोमोज हो गए, मेकिंग वीडियोस होगी, ट्रेलर कब आएगा. तो फाइनली आ जा गया है ट्रेलर. और क्योंकि कोविड के इसकी एक छोटी सी स्टोरी हमें बताना बनती है, क्योंकि ना कोविड से पहले शूट हो रही थी, लेकिन कोविड आ गया तो ये मूवी की शूटिंग स्टॉप हो गई, तो अब दोबारा कंटिन्यू हुई है. तो साथ ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है, तो देखने लगे हम यहाँ पे ट्रेलर. लेकिन ट्रेलर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर आए हैं न्यू व्यूअर्स, वो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स बन जाए, बस लाल वाले बटन को टच करके व्हाइट कर दें यार. एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट होती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मजीद काम करने का दिल करता है. तो आप लोगों का कुछ नहीं ज्यादा, सिर्फ आपने टच करना है. सो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेलर अपने और हम आई एम सो एक्साइटेड, देखते हैं क्या होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले. स्टार्टिंग में ओ देखा जबरदस्त स्टार्ट रेसिंग से. மதுரை சுத்தி நடக்கிற எல்லா மர்டரையும் ஜெயில வச்சு தான் பிளான் பண்றாங்க. அர்ஜுனன் எங்க வா? 10 வருஷமா தேடிட்டு இருந்த கேங்க எப்படியே பத்தே நாள் குச்சாரு. ஆகே ஜீ மச்சானே. ஒவ்வொரு ரொம்ப மோசமான கேங் இதுவா தான் இருக்கும். டாக் ஸ்மெல் பண்ணிடுச்சு. எப்படி பணம் சம்பாதிச்சோன்னு யாரும் கேட்க போறதில்ல. எப்படி ஜெயிச்சோன்னு யாரும் தேடி பார்க்க போறதில்ல. ஜெயிக்கணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், அவ்வளோதான். வலிமை இருக்கிறவன் அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துப்பான். வலிமைன்றது அடுத்தவனை காப்பாத்ததான், அழிக்கல்ல. நீதான் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்கேன்னு உன்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க. ஒருத்தனோட சமநிலை தவறுனா அவனோட கோபம் எப்படி இருக்கும்னு காட்டுவேன். கேம் முடியல, அடுத்த லெவலுக்கு போக போகுது. ஓகே ஜபர்தஸ்த் மேன், பிராவோ. லிட்ரலி
सबसे पहले तो हम आते हैं अजीत कुमार के ऊपर. दे आर प्लेइंग ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ पुलिसमैन हु इज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग. द राइडर्स एक्चुअली कार्तिकेय एंड द अदर राइडर्स आर प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर जो कि मतलब सिचुएशंस खराब कर रहे हैं सिटी की. इन द होमक रेशी शी वाज लुकिंग फैबुलस. वो मतलब पुलिस का कैरेक्टर कर रही है और फिगर आउट कर रहे हैं हो क्या रहा है. और लिटरली जो मूवी की स्टोरी तो जरा हम साइड पर रखते हैं ना, किस तरीके के शॉट्स जिस तरीके के ये लिए गए हैं ना, डायरेक्टर ने जिस तरीके से बाइक्स को उड़ाना, बम से उड़ाना, फिर हवा में उड़ाना, फिर कैमरा के उस हैंडल में लेके जाना कि इस एंगल से वो शॉट कैप्चर करना, और एक्शन फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ सस्पेंस. एट द सेम टाइम पे पुलिस का भी रोल दिखाया, पुलिस ही का मेन रोल दिखाते हैं चोर पुलिस का जैसा एक होता है. बट इसमें राइडर्स एक बीच में सुसाइड का भी थीम दिखाया था जिसमें वो कह रहे डाउट होता है कि मर्डर है ये सुसाइड है या फिर मर्डर करके सुसाइड की शक्ल दी हुई है. बट हम कह सकते हैं कि इसमें थ्रिल से भरपूर है और काफ़ी ज़बरदस्त लगी है मुझे. और स्टोरी तो हम लोगों ने डेफिनेटली कमेंट्स में हम लोगों ने पहले भी हमने जो प्रोमोज और टीजर्स देखे हैं और हम लोग क्योंकि जिस चीज़ का इतना ज़्यादा इंतज़ार हो ना वो चीज़ ज़्यादा डिस्कस होती है और काफ़ी कुछ पता चलता है. बट इस ट्रेलर के आने के बाद ना एक परसेप्शन ही चेंज हो गया है. मैं आई वॉज थिंकिंग कि अजीत कुमार जो होंगे ना वो एक राइडर का रोल प्ले करेंगे. बट इसमें आया कि वो पुलिसमैन है और वो फिगर आउट करें कि हो क्या रहा है और असल बात क्या है. और काफ़ी मज़े का ट्रेलर है, काफ़ी बजट हाई है इसका. इस मूवी का नज़र आ रहा है कि ये कोविड से पहले शुरू हुई थी और कोविड के मतलब 2020 चूँकि न्यू ईयर पर आ रही है तो मतलब 2-3 साल की मेहनत है इस मूवी के अंदर. क्योंकि वो इतना मुश्किल स्टोरी, मुश्किल शॉट्स, मुश्किल डायरेक्शन, मुश्किल एक एक चीज़ और हाई बजट तो फिर होगा. जब इतनी बड़ी कास्ट ली है तो फिर उनकी फीस के साथ साथ डायरेक्शन, जिस तरीके से लोकेशंस का इस्तेमाल किया है, वीएफएक्स और जिस तरीके से बॉम्ब से केमिकल, मतलब एक एक चीज़ का लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रेलर है. मतलब लग रहा था एक वाइब आ रही थी ना कि जैसे 3D में हम देख रहे हैं और अंदर से 3D की मतलब इफेक्ट ऐसी वाइब्स आ रही थी. मतलब बहुत जबरदस्त, लिटरली 10 out of 10, बल्कि उससे भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर. तो ये तो था हमारा ओपिनियन. तो आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें, कुछ भी नहीं होता, बस शेयर कर दिया करो. लेकिन आपने चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वो घंटी लाजमी बजाना, बेल आइकन ऑल पर लाजमी क्लिक करना है और अपना ओपिनियन भी शेयर करें और अपना ख्याल रखना है. ओके, टेक केयर.